नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन की खास पेशकश खास मुलाकात में। मैं हूं आपका होस्ट रत्नाकर। कई बार जिंदगी की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारा जीवित होना, इसके लिए कई पैरामीटर होते हैं मेडिकल के एस्पेक्ट से। और अपने हार्ट रेट देखने के लिए एक ईसीजी करके पैरामीटर होता है, जो कि ऐसा ऊपर नीचे होता है। कुछ इसी तरह से जब हम अपने जीवनी की बात करते हैं, और जीवन जीने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी इनकम। अब ये इनकम भी कभी कभी ऐसी ईसीजी की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, और हम चाहते हैं कि हमेशा इसका जो पैरामीटर है ऊपर ही रहे। लेकिन कई बार हम एक छोटी सी नौकरी में समाधान पा लेते हैं, कई बार सीमित इनकम में हम लोग सुखी अपने आप को समझ में रखते हैं। लेकिन आज जो शख्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने इस ईसीजी के पैरामीटर को तोड़ के रख दिया। उन्होंने कभी इस पैरामीटर को माना ही नहीं, और उन्होंने ये उतार चढ़ाव से एक अनुभव ये लिया कि अब मेरा इनकम जो है बढ़ते ही रहना चाहिए, इसका पैरामीटर कभी नीचे आना नहीं चाहिए। और कैसे, तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से। आज स्टूडियो में मौजूद है मुरलीधर जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग सर, बड़ा एक वर्ड जो है, बड़ा एक गिमिक्स वाला वर्ड है, और लोग इसको एडमायर नहीं करते। कई बार जी एक सर, मैक्सिमम जो बिल्कुल है लोग उसको एडमायर नहीं करते। तो इस स्ट्रगल के बावजूद और अब जो आपने मुकाम हासिल किया है, तो आपकी अब तक की जर्नी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी रत्नाकर जी, बिल्कुल। जब इस इंडस्ट्री में मैं पहली बार आया था, तो सेम मेरा भी यही विचार था कि ये बिजनेस ऐसा होता है, क्योंकि मैंने भी मेरे जो आसपास में लोगों के साथ जो सुना था या जो मैंने फीडबैक लिया था, उसी से मैंने अपनी धारणा बना ली थी कि ये जो बिजनेस होते हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होते हैं, या लोगों को कहीं ना कहीं जालसाजी में फंसा के इस तरह से लोगों के पास से पैसे लिए जाते हैं। और मैं भी खुद इसी जालसाज में शिकार हो रहा था। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर अल्पेश गज्जर सर का, जिन्होंने इस इंडस्ट्री की मुझे डेप्थ बताई जी। और मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ, जरूर। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में आने के पहले, मैं नागपुर से ही आज से लगभग 30 साल पहले यहाँ से एजुकेशन लेके मैं गुजरात के एक शहर वडोदरा में अपना कैरियर स्टार्ट करने के लिए गया था। और मुझे एक चीज पहले दिन से पता थी कि बहुत सारी डिग्रियां लेके और बहुत सारे एजुकेशन लेके लाइफ में सक्सेस नहीं बना जाता, या जॉब करके भी बहुत बड़ा सक्सेस नहीं लिया जा सकता। तो मुझे एक चीज बिल्कुल फर्म थी पहले दिन से कि बिजनेस ही एक ऐसा होता है जिसमें इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकता है। तो मैंने गुजरात को सिलेक्ट किया, और मैं जब यहाँ से गया था तब मेरे पास कोई पैसा या कोई बैकअप लेके नहीं गया था। पर 30 साल पहले अचानक एक दिन रात को 2 बजे बड़ौदा स्टेशन पे मैं उतरा, और मैंने अपनी लाइफ का नया जीवन स्टार्ट करने का सोचा। और उस समय मुझे भी फैमिली से बोला गया था कि मेरा नागपुर में, जब मेरे फादर ने सब कुछ यहाँ पे बना के रखा था, उनका खुद का बिजनेस है, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा। और मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जो टेलीकॉम बिजनेस था, और जो बिजनेस मैंने 17 साल रन किया जी। और उसी बिजनेस से मैंने अपना कैरियर का जो ग्राफ था वो स्टार्ट कर लिया था, जिसमें घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ मैं बना चुका था। पर मैं जिस इंडस्ट्री में था, उसी इंडस्ट्री में हमने हमारी इनकम को कोलैप्स होते हुए देखा। और ये वाली बात जो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ अभी कोरोना में हुआ होगा जी। और ये होता है कि हम जब एक कंफर्ट और लाइफ जीने लगते हैं, या जब हम कंफर्ट लाइफ को जी रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई नहीं देती। तो उसी समय मेरे पास मेरे एक मित्र, मेरे अंगद मित्र, जिनके साथ मैंने बहुत साल टेलीकॉम बिजनेस किया, फिर भी मैं उनकी बात को नहीं मान रहा था। और फिर उन्होंने जब मुझे एक सेमिनार, ट्रेनिंग मीटिंग जो होती है इस बिजनेस की, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे मुझे बैठने का मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग का। और हम लोग बहुत हेट करते थे इस इंडस्ट्री को, आपको आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मुझे इस इंडस्ट्री में लाने के लिए कोई महीने का 10 लाख रुपया भी देता ना, तो मैं ये मीटिंग अटेंड करने नहीं जाता। पर उन्होंने मुझे सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि आप एक बार देख लीजिए, भले आप इस इंडस्ट्री को मत कीजिए। और सेम चीज मैंने उनकी बात रखने के लिए ऊपर के मन से मैंने जाके एक इंडस्ट्री दोस्ती की खातिर सही बात है सर, क्योंकि हम दोस्त, पहला ही बिजनेस का यही रूल है कि हम पहले दोस्ती निभाए और लोगों को सिर्फ दिखाए, करने के लिए नहीं बोलते हम देखने को बोलते हैं। और ये करते करते उन्होंने जब मुझे बिजनेस के बारे में डेप्थ बताई, तो मेरे मतलब मेरे माइंड के जितने भी ब्लॉकेजेस थे
वो खुले एक एक करके, और मैंने देखा कि दुनिया में इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना रहे हैं, इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर इनकम अर्न कर रहे हैं, और इनकम ही नहीं कर रहे हैं, लोगों की लाइफ बना रहे हैं, दूसरी जनरेशन की इनकम सेट कर रहे हैं। 2 से 3 साल नॉलेज लेके अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोली जा सकती है तो फिर मैं क्यों मना कर रहा था। और मेरे सपनों के लिए किसी को आके मुझे मोटिवेट करना पड़ रहा है कि तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये इंडस्ट्री है क्या। और रत्नाकर जी, मैं जब इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के टाइम पे मैंने थोड़ा सा नॉलेज लिया और हमने जो लोग मुझे इसमें लेके आए थे उनकी बातों पे यकीन करना स्टार्ट किया, और जो मिराकल है वो मैं आपको बता नहीं सकता, पर जो अचीवमेंट है वो आज मैं 30 साल जो मैंने बड़ौदा गुजरात से लेके, जब मैं आज से 6 साल पहले नागपुर में इस इंडस्ट्री को लेके आया था, इसीलिए मुझे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए मुझे पायनियर माना जाता है मेरी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जो मोदी केयर हम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी इतने सारे अचीवमेंट्स हुए और इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे को इतने सारे अच्छी प्रोफाइल के लोग मिले हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग इस इंडस्ट्री में आज मेरे साथ एसोसिएट हुए वो बहुत सारी अच्छी हेवी इनकम ले रहे हैं। और मैं जब आया था जो मेरे डाउट थे उसको क्लियर करने के लिए मैंने सिर्फ एक ही चीज और एक ही चीज के ऊपर भरोसा किया था, वो था कॉमन सेंस। जी, आज लोग जो है ना बहुत पढ़ लिख लेते हैं परंतु कॉमन सेंस की बिल्कुल अभाव होती है, कि जब मैं किसी इंसान को एक प्रोडक्ट के लिए सिर्फ शेयर कर रहा हूँ और उसको सिर्फ दुकान बदलने के लिए बोल रहा हूँ और उसके लिए भी इतना सारा मुझे समझाना पड़ रहा है, और वो जो चीज थी क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं था, और ये भरोसा जब धीरे धीरे जब प्रोडक्ट यूज करने लगे और लोगों को जब फील हुआ कि मैंने जो उनको प्रोडक्ट दिया है वो बेहतरीन क्वालिटी के थे, और लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके उनकी दुकान बदल के और धीरे धीरे जब उनको इनकम आने लगी, और ये जो 6 साल का परिवर्तन जो है आज बहुत सारे हजारों लोगों को एक अच्छी स्टेबल इनकम दे रहा है। और मैं भी इस बिजनेस के थ्रू आज की डेट में मैं बोलूँ तो एवरेज हमारी फैमिली इनकम जो है वो 4 लाख प्लस है पर मंथ। ये yes, अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक ऐसी इनकम है कि चाहे हम कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस कर लें तो उसमें भी इतनी इनकम को आज के डेट में पाना एक सवाल या बिल्कुल निशान। मैं सर आपको पूछना चाहूँगा कि ये जब बिजनेस हम मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जो नेटवर्क मार्केटिंग का हम बिजनेस करते हैं, तो उसमें एक स्किल होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि रिजेक्शन हैंडलिंग। जी सर, तो क्या ये सही है? एकदम सही है, और बिल्कुल रत्नाकर जी, क्योंकि देखिए दुनिया के हर प्रोफेशन में रिजेक्शन होता ही है। जी, अगर आप एक बहुत अच्छा मॉल खोल दीजिए नागपुर के अंदर, और मुझे आप ये गारंटी बताइए, क्या वहां पे 100% हर एक इंसान हर प्रोडक्ट खरीद के जाएगा? नहीं, पॉसिबल, मतलब रिजेक्शन तो वहां पे भी है। जी, जी। परंतु वहां पे क्योंकि उस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया होता है, जी, लाखों करोड़ों रुपए लगाए होते हैं, तो उसका माइंडसेट होता है कि अगर कोई लोग नहीं भी परचेस करते हैं तो भी उसको रिजेक्शन झेलने की या रिजेक्शन लेने की आदत पड़ चुकी होती है। पर जब हमारी इंडस्ट्री की हम बात करें जी, तो यहाँ पे क्योंकि हम कुछ पैसा नहीं लगाते हैं, जब मुझे मेरे ही कुछ नियर एंड डियर लोग या मेरी फैमिली के लोग जब मुझे मना करते हैं तो मैं इस इंडस्ट्री से क्विट हो जाता हूँ। परंतु इस इंडस्ट्री के अंदर एक भी बंदा फेलियर नहीं है, ओनली क्विटर है। जी, ये जो आपने कहा कि क्विटर और फेलियर के बीच का जो अंतर है, ये थोड़ा सा आप और इसको एलेबरेट कर सकते हैं, कोई एग्जांपल्स वगैरह देखें? बिल्कुल सर, इसमें ऐसा होता है कि जैसे कोई भी चीज होती है ना, उसको आपको थोड़ी सी, जैसे आपने स्किल की बात करी जी, तो जब हम एक छोटा सा प्लम्बर का जॉब है, इलेक्ट्रिशियन का जॉब है जी, उसके लिए मिनिमम हम लोग 3 साल 2 साल पढ़ाई करते हैं सर। जी, 100% 15,000 के लिए अगर मुझे 3 साल पढ़ना है, ये मुझे पता है जी, तो जब यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए की मंथली इनकम की बात हो रही है जी, तो उसको मैं बिना स्टडी किए या बिना नॉलेज के कैसे चला सकता हूँ? नहीं चला सकता। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हमें स्किल डेवलप करनी पड़ेगी लोगों के साथ, क्या कि लोग, क्योंकि लोक व्यवहार का बिजनेस है, ये कोई टेक्निकल नॉलेज का बिजनेस नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा मास्टर होना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट नॉलेज में। यहाँ पे लोगों के साथ मेरा कैसा वर्ताव होता है, मेरा कैसा उनके प्रति जो मेरा रिएक्शन होता है, मेरी भावनाएं कैसी है उनके, उनको लेके, उसके वजह से ये बिजनेस में लोग एसोसिएट होते हैं। पहले वो कोई भी इंसान इस बिजनेस में आने के टाइम पे वो कंपनी नहीं देखता, वो आपका व्यवहार देखता है जी। अगर आपका व्यवहार सही है तो आपके साथ भी लोग एसोसिएट करना पसंद करेंगे। और जो ये स्किल के लिए कोई किताबों में नॉलेज नहीं मिलता,
ये स्किल लेने के लिए आपको प्रैक्टिकली फील्ड में उतरना पड़ता है, और जो कि हमारे देश में हर एक इंसान कामचोर होने की वजह से या काम नहीं करने की आदत पड़ने की वजह से वो काम नहीं करना चाहता। इसीलिए यहाँ पे जब वो दो तीन लोगों को मिलता है और लोग जब उसके सर्कल पे मना करते हैं तो वो क्विट कर देता है। और यहाँ पे अगर आपने 2 या 3 साल इसको सीखने का मतलब प्रोफेशनल एज ए बिजनेसमैन, जैसे आपने 10 करोड़ रुपए लगा के अगर एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसी तरीके से अगर आपने सोचा सिर्फ तो आप इस बिजनेस के अंदर 100% सक्सेस हो सकते। कई बार हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जब नाम आता है तो लोग उसको सुनना भी पसंद नहीं करते। सही बात है, है ना? ये ऐसे भी अनुभव आपको आते होंगे, और उनमें उन लोगों में से ऐसे लोगों को चुनना, ये अपने आप में बड़ा आपके सामने चैलेंज होता होगा। 100% होता है चैलेंज सर, कौन सी लाइन में नहीं है। और एक चीज मैं आपको इसमें जोड़ना चाहे शायद आपको उसको उत्तर देने में आसानी, कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम उतरते हैं तो ये हमें अपने व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होता है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि इसमें आपको अपने व्यवहार को कंट्रोल करना होता है या व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के थ्रू ही ये बिजनेस कर सकते हैं। 100% सर, यहाँ पे आपको पहले कोई भी चीज की जरूरत नहीं होती है आने के लिए जी, दुनिया का क्वालिफिकेशन की अगर बिल्कुल सही, क्योंकि दुनिया का हर एक बिजनेस, हर एक जॉब, उसमें आपको पहले से ही हर चीज को नॉलेज में लेके जाना पड़ता है। ये एकमात्र विश्व का ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको आने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपका एजुकेशन क्या है, आप किस कम्युनिटी से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको आज क्या आता है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। ये जो पर्सनालिटी की बात है ना, ये एकमात्र बिजनेस है। आप जब आते हो और इसको अगर आपने 3 साल जी लिया जी, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर 360 डिग्री चेंज हो जाता है। और ऐसा हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक सिंपल हाउसवाइफ आती है और 4-4, 5-5 कारें लग्जरी कारें ले लेती है। एक अनपढ़ इंसान आता है और जो इस बिजनेस में 4-5 लाख रुपया पर मंथ कमा लेता है, और एक मतलब सिंपल अनपढ़ लेडी आती है जो दूध बेचने का बिजनेस कर रही थी और आज वो खुद की मर्सिडीज लेके घूम रही है। और ये सब देखने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं क्योंकि ये उनको लगता है कि ये हमसे नहीं होगा। तो वो जो नहीं होगा वाला फैक्टर है ना, वो सिर्फ तब तक होता है जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है या आपके पास अभी तक वो लोक व्यवहार नहीं है। सिर्फ इसको सीखना पड़ता है, और जब तक आप सीखेंगे और सीखते सीखते भी आप पैसे कमाएंगे इसके। अब सर, नेटवर्क मार्केटिंग की जब बात आती है तो मन में एक दुविधा आती है और एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जहां हम नेटवर्क कंपनियों से जुड़ते हैं, और इतिहास अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नाम से शुरू किया और लोग उनसे जुड़े और बाद में वो कंपनियां बंद हो गए और कई लोगों को उसका नुकसान भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के तरफ एक अलग नजरिए से देखते हैं। एकदम सही, आप क्या कहेंगे? मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका कि ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसके अंदर, हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हजारों कंपनियां खुलती हैं और उसमें से कुछ कंपनियां ही टिकती है जी। उसका रीजन एक है कि एक तो हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर अब तक जी कोई गाइडलाइंस नहीं था जी। जब किसी चीज के ऊपर गाइडलाइंस नहीं होता है तो उसके अंदर बहुत सारे इलीगल प्लेयर्स आने लगते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा जी। जैसे अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि एक बंदा ने कुछ पैसे लगाए और उसके कुछ समय के बाद कंपनी बंद हो गई और उसके पैसे डूब गए। तो मैं बोलना चाहूंगा सर कि इसमें पैसे लगाने ही नहीं होते हैं। अगर कोई बंदा आपको आके बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं करना है और सिर्फ इतना इन्वेस्टमेंट कर दो और आपको हर महीने इतने पैसे आएंगे, और ऐसे बहुत सारे इसके इलीगल मुखौटा पहन के आपको नेटवर्क मार्केटिंग की तरह दिखने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जबकि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी लीगल कंपनियां हैं जो सालों से चल रही है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां होनी चाहिए, और प्रोडक्ट भी वो होना चाहिए जो मार्केट के कॉम्पिटिटिव रेट पे होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं कोई चीज, जैसे अगर एक सामान्य परिवार की बात करूं कि वहां पे अगर एक पेस्ट है और वो अगर 40-50-60 रुपए के आसपास मुझे मार्केट में मिल रहा है जी, और वो प्रोडक्ट अगर मुझे किसी कंपनी के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे 200, 300 या 800 में दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं जी। तो यहाँ पे वो कंपनी चुनिए आप
जिसका मार्केट के आसपास होना चाहिए प्राइसिंग जी, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए कि जो हमारे घर में एवरीडे यूज हो जी, अदरवाइज ऐसा भी बहुत कंपनियां आती है कि जो आप को एक इमेजिनरी प्रोडक्ट बता देती है कि आप ये ले लीजिए, लाइफ में एक ही बार लेना है और ये बहुत महंगी चीज हमने टिका के चले गया और उसके बाद हम वो प्रोडक्ट का कभी यूज ही नहीं करते, उसका उपयोग भी नहीं करते और हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि मेरा पैसा डूब गया जी। और फिर हम वो यहाँ पर फिर वो बिजनेस की बात नहीं आती। हाँ जी, तो इसी तरीके से हमें कंपनी चूज करने में कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए जिसके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप कंपनी सिलेक्ट करें वहां पे हमारा पैसा नहीं लगना चाहिए। आप जैसे मैंने बात की कि अगर मेरी रोजमर्रा की जिंदगी की जो प्रोडक्ट मैं कहीं से खरीद रहा था जी, अगर वही प्रोडक्ट मुझे किसी दूसरी कंपनी से उसी रेट में और उससे अच्छी बेटर क्वालिटी के मिल जाए तो क्या मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? 100% मुझे यूज करना चाहिए। तो बस यहाँ पे मेरे को इन्वेस्टमेंट सिर्फ मेरा नॉलेज लेने के लिए और टिके रहने का रहेगा, परंतु मेरे काम के प्रोडक्ट मुझे उसी रेट में मिल गए, तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस जरूर यूज करिए। दूसरा, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जान के देखना पड़ता है कि कंपनी कितने टाइम से चल रही है, कितने लीगल है, कितनी एथिकल है। बहुत बार क्या होता है कि मुझे किसी फ्रेंड ने बताया इसलिए मैं जुड़ गया जी, क्योंकि यहाँ पे बार बार यही होता है कि किसी के कहने से हम उसकी बातों में आ जाए और एक अच्छा स्पीकर आके हमें बेवकूफ बना के चले गया और हम उसकी बातों में आके हमने पैसे लगा दिए। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप इसमें पैसे मत लगाइए ना, आपको जो काम की चीज थी और जो रोजमर्रा हमारी यूज की चीज थी वही चीज अगर आपको कहीं अलग जगह से मिले तो बस सिर्फ दुकान बदलनी थी और दुकान बदलने में हमें कोई पैसा नहीं लगता। हो सकता है कि मेरे एरिया में एक बिग बाजार था और कल अगर वो बिग बाजार शिफ्ट हो गया तो मेरा तो कोई लॉस हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने पैसे दिए और मेरे को प्रोडक्ट मिल गया। तो जो आश्वासन देते हैं कि आपको आज लगा लीजिए और आपको आगे ये मिलेगा, ऐसी सब कंपनियां फ्रॉड करेगी। पर मैंने आपको आज पैसा दिया और आज ही मुझे प्रोडक्ट मिल गया, तो मैं ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। दूसरा, मेरे को उस कंपनी के अंदर में जो सक्सेस स्टोरी है, जो बैकग्राउंड है, कंपनी का जो IDSA करके एक बॉडी है जो इनके ऊपर मॉनिटरिंग करती है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंश्योरेंस होती है उसके ऊपर भी एक बॉडी होती है गवर्नमेंट की, वैसा ही इनके ऊपर गवर्नमेंट ने अभी कोई बॉडी नहीं बनाई ना, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें खुद बॉडी बन के चेक करना होता है कि खुद का मॉनिटरिंग खुद ही करना। और ये तो अभी स्टार्टिंग है सर, इंडिया में तो अभी स्टार्ट भी नहीं है इंडस्ट्री, जहाँ पे हजारों लाखों लोगों को इतना मल्टी मिलियनर बना दिया। हमने ये भी सुना सर कि इंडिया में कुछ यूनिवर्सिटीज ने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ सिलेबस चूज। बिल्कुल, दिल्ली यूनिवर्सिटी आज MBA करा रही है इसी के ऊपर, और जब बच्चे वहां से पढ़ाई करके निकलेंगे बहुत सारी IIM के अंदर में ऐसे कोर्सेस हो रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, तो जब फ्यूचर में जब बच्चे इसमें से पढ़ के आएंगे तो कहा वो कौन सा काम करेंगे? अगर हमने जो बैकग्राउंड पढ़ाई किया है वही तो काम करेंगे, तो जब MBA करके बंदा पढ़ाई करके आएगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग में जाने लगेगा। और ये बहुत अच्छा हमारे इंडिया का आज का माहौल बन रहा है। आज यंग जनरेशन कोरोना के बाद सेकंड इनकम के ऊपर में बहुत अच्छी तरह से फोकस करने लगा है, क्योंकि अभी अगर आप सर्च करोगे तो गूगल पे सबसे ज्यादा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे सर्च किया गया था कोरोना के टाइम पे, क्योंकि सभी को पता है इनकम सोर्स दो होने चाहिए। अगर आपको पानी की गहराई नापनी हो तो दोनों पैर एक साथ नहीं डालने चाहिए, एक पैर बाहर होना चाहिए। सिमिलरली हमारी सोर्स ऑफ इनकम भी एक से ज्यादा होनी चाहिए, और जितने भी मल्टी मिलियनर हैं उनको आप अगर चेक करोगे तो उनके पास एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है। जी बिल्कुल सही बात की आपने। चलते चलते मुरली सर, आप यंग जनरेशन भी आपको देख रही है, आप नेटवर्क मार्केटिंग के मायने में आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जी, जैसे इंडिया हो या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो जी, उसमें यंग जनरेशन को जैसे बोला जाता है ना कि अगर आप 2 साल के लिए आर्मी में चले जाओ तो जो बच्चा होता है वो डिसिप्लिन हो जाता है जी, उसी तरह से अगर इंसान को अपनी लाइफ के अंदर जो भी गोल अचीव करना है, अगर वो करना चाहता है, उसका विजन बड़ा करना है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी है, उसको अगर एक बढ़िया बेहतर इंसान बनाना है, तो उसको 2 साल अनकंडीशनल पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी पर्सनालिटी में इतना ग्रोथ करेगा, अगर वो दुनिया में कहीं पे भी जॉब करेगा तो भी वो नंबर वन रहेगा। तो चलिए हम ये मानते हैं कि यंग जनरेशन को एज ए एक्सपेरिमेंट ही सही, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना चाहिए और उसमें अपना करियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बातचीत करते वक्त सीखा हूँ कि ये एक सोर्स से, किसी सज्जन से भी मैंने इसके पहले भी मेरे जीवनी में सुना है कि एक सोर्स से 100 रुपये कमाने से अच्छा है कि 100 सोर्सेस से 1-1 रुपया कमा लो।
तो आपकी जो जीवनी है वो एक तरह से बंद नहीं होगी, वो आपकी जीवनी मतलब आपकी इनकम कहीं ना कहीं तरीके से शुरू रहेगी। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से आपकी अच्छी अच्छी बातचीत टेक्निकली, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपने हमें समझाया नेटवर्क मार्केटिंग का जो महत्व होता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं आप सबका BCN न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ मिलने का मौका दिया। बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा।